हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फ्यूचर 50 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी इंडिया शेयर के ऊपर चार्ट एनालिसिस करेंगे। आने वाले समय में हमें यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, इधर अपसाइड या डाउनसाइड, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम चार्ट के ऊपर डिटेल में चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने चार्ट को ओपन किया है मारुति सुजुकी इंडिया। यहाँ पर हम जो एनालिसिस करने वाले डेली टाइम फ्रेम बेसिस के ऊपर हम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम बेसिस के ऊपर यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा जो पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे रिसेंट टाइम में जो प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला था, वन साइडेड जो मूवमेंट में यहाँ पे हमें देखने को मिली थी, पर्टिकुलर इस चैनल के अंदर यहाँ पर हमें मूवमेंटम देखने को मिली थी। लगभग यहाँ पर हमने 2 मंथ के लिए यहाँ पे इसी चैनल के अंदर ट्रेडिंग की है। जो हाई लेवल्स पे हम देख सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हम रिस्पेक्ट कर रहे थे और इसी लेवल के नज़दीक यहाँ पर हम रिजेक्शन को फेस कर रहे थे। सिमिलर डाउन साइड में जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके यहाँ पर इसके ऊपर हम यहाँ पे सपोर्ट को ऐड कर रहे थे और यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल जाता था। अभी रिसेंटली लास्ट वीक में क्या हुआ है, जिस पैटर्न के अंदर हम ट्रेड कर रहे थे, जो कि एक चैनल पैटर्न था, इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है 6800 लेवल के समथिंग अराउंड। और उसके बाद यहाँ पर हमारे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे हाई राइज का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल जो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो हाई लेवल्स के नज़दीक यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पे प्रीवियस टाइम में आप देखोगे तो यहाँ पर हमने 7000 की जो लेवल है, जो कि एक राउंड नंबर भी, इस लेवल के नज़दीक यहाँ पे हमने सपोर्ट को ऐड किया था। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हमने सपोर्ट को ऐड किया था। जैसे ही यहाँ पर हमें सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखने को मिला, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डाउन साइड की मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। अभी जो प्रीवियस टाइम का यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे हम इसी लेवल के नज़दीक यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस को एक्ट कर रहा है। अभी यहाँ पर हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसे यहाँ पे हमें देखना है। अभी यहाँ पर हमारे लिए जो हर्डल है इमीडिएटली 7000 की समथिंग लेवल के अराउंड है, जो कि ग्राउंड नंबर है। अगर आने वाले समय में, यानी कि विद इन 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर यहाँ पर हमें इस रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। जैसे ही यहाँ पर हमें ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मिल जाता है, यहाँ पर हमें स्मॉल टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके चलना है, जो कि 30 मिनट 1 आवर के टाइम फ्रेम में। जैसे यहाँ पर हम हायर साइड में क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज कर जाते हैं और प्राइस एक्शन के हिसाब से मोमेंटम हाई राइज का बना लेते हैं, तो उस केस में यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। उस केस में यहाँ पर हम अब तक कन्फर्मेशन यहाँ पर हम बाय पोजिशन को एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा पर्टिकुलर आपके रिस्क के हिसाब से बनेगा, लेकिन जो टेक्निकल रहेगा ब्रेकआउट कैंडल का, लोग यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो स्विंग फॉर्मेशन बनेगा इमीडिएटली, उसका लोग यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा कर यहाँ पर हायर साइड के लिए यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड। अभी यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, उस केस में यहाँ पर हमारा जो टारगेट लेवल देखने को मिल सकता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद जो हमारा इमीडिएटली जो नेक्स्ट हर्डल है, जो कि एक नेक्स्ट स्विंग का जो हाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि 7150 लेवल के समथिंग अराउंड है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा। इसे हम 1 और 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी यहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं, जो कि 1100 से लेकर 150 के लिए मोमेंटम यहाँ पे हम देखने को मिल सकती है अप टू ब्रेकआउट। अभी इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आप इसे देख सकते हो, जो उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर हमारे लिए वो समथिंग अराउंड 7300 लेवल के समथिंग अराउंड है, जो कि हमारे यहाँ पे सेकंड टारगेट बनेगा। अभी ये जो टारगेट लेवल से जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर उन लोगों के लिए यहाँ पे बाइंग पोजिशन इस लेवल के नज़दीक देखने को मिल सकती है अब तक ब्रेकआउट। और यहाँ पे स्टॉप लॉस हार्डली यहाँ पे आप देख सकते हो 50 से लेकर 70 रुपीज़ के यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर 200 से लेकर 300 के यहाँ पे मूवमेंटों के यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे टारगेट लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे लिए जो हमारा बाइंग व्यू है, इसे हम तभी जाके अवॉइड करना है। अभी यहाँ पे सपोज मान लो यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है कहीं ना कहीं, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है और उसके नीचे यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, उस केस में यहाँ पर हमारा जो बाइंग व्यू रहेगा, इसे यहाँ पर हमें एनी हाउ कंडीशन अवॉइड करके चलना है। तो उस केस में यहाँ पर हम पर्टिकुलर मारुति सुजुकी के ट्रेड को यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे।
जी इस हिसाब से प्राइजेशन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी अपसाइड की यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट रहेगी आने वाले समय में। आफ्टर 2 to 3 months यहाँ पे हमें वापस से जो प्रीवियस स्विंग है जो हाई से इस लेवल तक भी यहाँ पे हमें मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर ये आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेन कर जाता है उस केस में यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे। आफ्टर कन्फर्मेशन अब यहाँ पर हमें ब्रेकआउट हो जाने के बाद ही यहाँ पे हमें एंटर करके चलना है। ब्लाइंडली यहाँ पर हम कहीं भी एंटर नहीं करेंगे, जो भी हमारी एंट्री रहेगी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के हिसाब से हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।